पब्लिक आपके साथ आपके भाई के चैनल पे अनटेम्पर लेन पे। तो आज की वीडियो में मतलब माइनक्राफ्ट में हम एकदम ओपी वाला फार्म बनाने वाले। ये जो फार्म है ये 2-in-1 फार्म है, मतलब यहाँ पे आप गोल्ड फार्म भी बोल सकते हो और ये फार्म भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपी भी मिलती है और ऊपर से गोल्ड भी मिलता है। तो चलो जल्दी चलते, उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ये जो फार्म है एकदम ओपी वाला रहने वाला है। इधर मतलब ये फार्म ज्यादा बड़ा भी नहीं, एकदम ईजी, मतलब एकदम ऐसा छोटा बच्चा भी बना लेगा। तो आप सिर्फ ध्यान से देखिए और एकदम ध्यान से बनाइए। आपको सबसे पहले क्या करने का है, नेदर में आने का, और ये फार्म हम नेदर में बनाने वाले। नेदर में आने के बाद आपको क्या करने का है, 4x4 ब्लॉक का है ना, मतलब डिग करने का, ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है ना वो निकाल देने की। वो लेयर निकालने के बाद आपको क्या करने का है, जो एक साइड है ना उधर आपको है ना उन सभी ना एक ब्लॉक की लेयर लगा लेने की। तो वो ब्लॉक की लेयर अब हम जल्दी से लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वो ब्लॉक की लेयर लगा ली है। फिर आपको क्या करने का है, जो बाकी के जो ब्लॉक है ना अंदर के, तो आपको है ना वो लेयर नीचे डिग करने का। तो चलो वो जल्दी से वो कर लेते। तो आप देख सकते हैं वो करने के बाद है ना मतलब एकदम ओपी वाला फार्म भी देखने को मिलने वाला है। और ये जो फार्म है ना एकदम मतलब ईजी रहने वाला और एकदम सिंपल। तो चलो आप देख सकते हैं अब हमने सारा डिग कर लिया है। नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करने का है, एकदम सेंटर में ना एक चेस्ट प्लेस करने की, और वो एकदम सिंगल चेस्ट करने की, डबल चेस्ट नहीं करने की। लगाने के बाद आपने को ना उसके चारों बाजू को ना, चारों नहीं मतलब तीनों साइड को ना हॉपर लगा लेने की। हॉपर लगाने से मतलब कैसा, जो भी आप मतलब वो जो बंदे इनको जो आप किल करोगे तो उनका सारा सामान आपको मिल जाएगा, फिर वो चेस्ट में चला जाएगा। ऐसा सिस्टम अपने को बनाने का। तो चलिए जल्दी से लगा ले। तो आप देख सकते फाइनली ये लगा ली है। आपको क्या करने का, उनके ऊपर है ना फ्लैप लगाने का है, ठीक है ना, हॉपर के ऊपर और चेस्ट के ऊपर ही लगाने का, और बाकी का जो एरिया रहेगा ना वो वैसे ही खुला का खुला रख देने का। वो लगाने के बाद आपको क्या करने का है, एग्जैक्ट वो जो चेस्ट के ऊपर का जो स्लैब है ना उसके ऊपर आपने को ना एक ब्लॉक लगाने का, मतलब एक ब्लॉक की लेयर लगाने की। तो जल्दी से वो लगा लेते। आप देख सकते वो लेयर अब हम लगा रहे हैं और फाइनली अब हम वो लेयर बन गई है। उसके बाद आपने को क्या करने का, अपनी जो पिछली साइड है ना तो उधर आपको ना लैडर्स लगाने के, मतलब आपको नीचे और ऊपर जाने को ज्यादा तकलीफ ना हो, आप इजिली ऊपर नीचे जा सको। चलो जल्दी से लगा लेते। तो आप देख सकते लैडर वीडर सारा लगा लिया है। तो ऊपर आते और ऊपर की साइड को अपने को क्या करने का है, दो ब्लॉक की ना लेयर ऊपर लेने की, मतलब जो अपनी जो नेदर की जो ओरिजिनल जो लेयर है ना तो उसके ऊपर से अपने को दो लेयर लेने। चलो जल्दी से वो लगा लेते। तो आप देख सकते हैं मतलब वॉल टाइप में बनाने के, आप देख सकते हैं ऐसा मतलब सी शेप में बन गया है, वो है ना सी शेप में बनाने का पूरा। और आप देख सकते फाइनली ये बन गया। तो ये होने के बाद आपने को सबसे पहले क्या करने का है, ट्रैप डोर लेने के, और ट्रैप डोर है ना एकदम है ना जो कॉर्नर्स है ना तो उन कॉर्नर्स को लगाने के, वो जो वॉल है ना उसके अंदर के साइड को, ये जो ट्रैप डोर है ना ये क्लोज करके रखने के, ओपन नहीं रखने के। जल्दी से वो लगा लेते। तो आप देख सकते ट्रैप डोर भी लगा लिए अब हमने फाइनली। ट्रैप डोर लगाने के बाद आपने को कुछ नहीं करने का, इसको थोड़ा सा डिजाइन करने का, अपनी जो पिछली साइड है ना जिधर से हम नीचे जाने वाले तो उधर आपने को क्या करने का, ऐसा थोड़ा डिजाइन मतलब है ना वी शेप में बनाने का, वहां से मतलब कैसा वो है ना एकदम अच्छा भी दिखेगा और ऊपर से ना उसके आगे एक मतलब के काम भी आने वाला है तो वो आपको समझ ही जाएगा। तो चलो जल्दी से वो लगा लेते। और ये भी दो ब्लॉक ऊपर ले लेने के। और उससे पहले आपने को क्या करने का, जो फ्रंट साइड है ना इस उधर आपको एक लैडर लगाने की, और वो ऊपर लगाने की, नीचे से नहीं लगाने का, एक ब्लॉक ऊपर लगाने की, मतलब कि आप जंप करके ऊपर चढ़ सकते हो। तो लैडर लगा, तो ये सारा होने के बाद आपने को क्या करने का है, चलो मैं अब सबसे पहले सर्वाइवल में जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइवल में अब मैं फाइनली आ गए। चलो सबसे पहले इधर बहुत पिगलिंग्स भी आ गए, मतलब हमने उनको बुलाया है, तो अब हम क्या करते हैं उनको दावत देने की, पर दावत को इतना टाइम नहीं दो है ना उनका मतलब है ना, अब उनसे ना अपने को गोल्ड लेने का है। तो चलो जल्दी से वो गोल्ड लेते और ऊपर से एक पी भी लेंगे। तो सबसे पहले ना अपने को क्या करते हैं, एक पिगलिंग को है ना अब हम एरो मारते। तो आप देख सकते एरो मारने के बाद सारे पिगलिंग अपनी तरफ भागने लगे, फिलहाल के ये तो अभी ये गड्ढे में गिर गए। तो अपने को क्या करने का है, अब बहुत पिगलिंग आ रहे, नीचे आने के बाद इतने इधर पिगलिंग्स आ गए, चलो जल्दी से इनको स्वॉर्ड से मारते। तो आप देख सकते इनको जब हम स्वॉर्ड से मारेंगे ना तो अपने को एक्सपी भी बहुत मिलती है। और आप देख सकते एक्सपी के साथ साथ है ना अब हमें इधर स्वॉर्ड्स और मतलब जितना भी गोल्ड का सामान है ना उनके पास वो सारा मिलने लगता है। एकदम ईजी और एकदम जेन्युइन ट्रिक, एकदम सिंपल, मतलब कोई भी कर सकता है, सिर्फ अपने को है ना ये मतलब ईजी है। अगर आप कुछ बंदे क्या करते हैं, जो गोल्ड फार्म है वो अपने ना हरा भरा एरिया रहता है ना उधर बनाते हैं, पर उधर विषय क्या रहता है, पिगलिन को ना बुलाने को बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास मतलब बहुत कुछ झोल करना पड़ता है तो फिर इधर कैसा विषय रहता है, इधर है ना आप सिर्फ उधर आके बना के उनको मार भी सकते, एकदम ईजी रहता है। पर सिर्फ है ना वैसा आपको है ना थोड़ा फार पेशेंस लगते है, नहीं तो क्या कुछ बंदों में बहुत घाई रहती। तो आप देख सकते हो अपने पास चेस्ट में भी बहुत सारा सामान आ गया है और एक्सपी भी अपनी बहुत एकदम रापचिक में एकदम बढ़ गई है। तो आपको कैसा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और आप देख सकते हैं जो गोल्ड है वो भी आ गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जल्दी से मतलब वीडियो छोड़ के मत भागो, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो गोल्ड जो स्वॉर्ड्स आ गए ना तो आप अब इनको मेल्ट करके इनके ना कुछ तो भी वो छोटे छोटे मिलते हैं, आप उनको यूज करके इनकी ना वो जो गोल्ड की जो ब्रिक रहते हैं ना कुछ तो भी बना के फिर आप इनके ना आर्मर विनमर कुछ जो बना सकते हो, आपको जो चाहिए वो इसी फार्म चाहिए होगे वो कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ऊपर से मतलब और कौन से नए कंटेंट चाहिए होंगे वो भी बताइए, आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेगा। और जल्दी से जल्दी लाइक करवा दीजिए, और वीडियो का लाइक का एम है 20 likes, तो जल्दी से 20 likes कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि आपके भाई को भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने को भी बहुत मेहनत लगती है। चलो इस वाले वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।